झारखंड में नौकरी अगर किसी को मिलेगा तो खतियान धारी को मिलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट से ना सलखन मुर्मू को विरोध होना चाहिए, मधुकोड़ा को विरोध होना चाहिए, ना कोई एक झारखंडी को विरोध होना चाहिए। किसी झारखंडी को खतियान के बिना किसी का नौकरी नहीं होना चाहिए झारखंड में, और नहीं तो झारखंडियों का नौकरी, झारखंडी को अस्तित्व, झारखंड राज लूट जाएगा, तो ऐसा नेता लोग जिम्मेवार होगा। यहाँ का मीडिया चाहती है कि झारखंड का जितने भी खनिज संसाधनपुर से जिला है उस सब जिला में यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का पावर, यहाँ उन लोगों का नियंत्रण ना रहे, उनको संवैधानिक अधिकार ना मिले, और टाटा जैसे घराने पर जो स्विफ्ट लागू लगा है वो खत्म हो, ये कोशिश है यहाँ के कॉर्पोरेट और यहाँ के पूंजीपतियों का, पूरे देश के पूंजीपतियों का। झारखंड का आयरन ओर, यहाँ का सोना, यहाँ का हीरा, यहाँ का यूरेनियम सबको लूटने की कोशिश हो रही है। इसलिए 47 से लेकर आज तक बिहार सरकार ने झारखंड में अवैध रूप से कॉलोनियों का बसाने का काम किया, अवैध रूप से टाटा जैसे कंपनी को बसाने का काम किया है, और वही चीज आज अगर 32 का खतियान नहीं लागू होगा और यहाँ के लोगों को अगर ये सारा चीज संवैधानिक प्रावधान को अगर इंपोर नहीं किया जाएगा, सशक्त नहीं किया जाएगा, फिफ्थ शेड्यूल को सशक्त नहीं किया जाएगा, फिफ्थ शेड्यूल इलाका में गैर आबादी क्यों घुस रहा है, मानगो में क्यों घुस रहा है, करंडी में क्यों घुस रहा है, क्यों गोविंदपुर में घुस रहा है, ये अगर नहीं रोका जाएगा तो ये फिफ्थ शेड्यूल का मायने मतलब नहीं रह जाता है, संविधान का मायने मतलब नहीं रहता है। तो भारत देश को बताना होगा कि संविधान रहेगा या आदिवासी रहेंगे, या दोनों को आप खत्म करके आप कॉर्पोरेट के भारत बनाना चाहते हैं, पूंजीपतियों का भारत बनाना चाहते हैं, ना बस्तर रहेगा, ना कंकेर रहेगा, ना आपका दंतेवाड़ा रहेगा, ना हम लोग का उड़ीसा का जो जगह है जहाँ गोंद आदिवासी है, उस सबको आप उड़ा करके किसको, अडानी को दीजिएगा, आप अंबानी को दीजिएगा, टाटा को दीजिएगा, मित्तल को दीजिएगा, और पूरा देश तरक्की करेगा और आदिवासी उड़ जाएंगे। और संविधान क्यों कहता है कि आदिवासियों के लिए जो बना हुआ विशेष क्षेत्र है वो विशेष रूप से उसको संरक्षित किया जाएगा, क्यों, अंग्रेज बेवकूफ थे या संविधान बनाने वाले बेवकूफ थे? इसलिए देश के चलाने वाले लोगों को बताना पड़ेगा, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो बनाओ, तुम्हारा राष्ट्र है तुम बना सकते हो, लेकिन जो संविधान जिस इलाका को बाउंड्री करके रखा है, विशेष क्षेत्र बना के रखा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप करते हैं तो आज़ादी के समय में, अंग्रेज के समय में, और आपके जो गांधी और जितने भी सावरकर ने जो हमको कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट के साथ आप धोखा क्यों दे रहे हो? झारखंड का हाईकोर्ट में आप ये साहब आप लोग साबित कीजिए कि झारखंड इसलिए कि ये पांचवी अनुसूचित क्षेत्र का आदिवासियों का राज है, जो बिहार सरकार में कानून, डोमिसाइल कानून, 32 का कानून अगर वहाँ पर लागू हो सकता है तो हाईकोर्ट को जा करके पूछना चाहिए बिहार सरकार से कि ये अगर झारखंड में अमान्य होगा, झारखंड में अगर गैर कानूनी होगा तो बिहार में ये कानून क्यों लागू है? झारखंड झारखंडियों को नहीं रहेगा, ये बाहरियों का आबाद प्रदेश हो जाएगा और पूरे झारखंड का जोहार। आप देख रहे हैं आदिम जुमित, पूरे झारखंड के लोग, झारखंड ही पूरा खुशी में है, पूरे खुश में है, क्योंकि 1932 का खतियान लागू होने वाला है। झारखंड सरकार ने ऐलान किया है कि 1932 आने वाला है बहुत जल्द। तो इसी के विषय पर हम आज बात करने वाले हैं, कोल्हान से हैं हमारे डेमका सो जी। कुछ मधुकोड़ा भी बोल रहा था कि कोल्हान के लोगों के पास 32 का खतियान नहीं है तो वो लोग क्या करेगा, तो इसी के विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कोल्हान के लोगों के 32 का खतियान नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि आदिवासियों का घाटा होगा या फिर उनका 32 का खतियान नहीं है तो क्या होगा। हम डेमका सो जी आपसे जानना चाहेंगे कि 1932 जो खतियान लाने वाला है हेमंत सोरेन जी, तो क्या वो अच्छा है या बुरा है, वो क्या लगता है? झारखंड सरकार का एक ऐतिहासिक पहला फैसला है। इससे पहले 2002 में पहला सरकार, झारखंड का पहला सरकार भी डोमिसाइल को ही बिहार सरकार के सिर्फ एक शब्द को हटाते हुए झारखंड में डोमिसाइल नीति लाया था, यानी कि 32 का खतियान को लाने का कोशिश किया था। वो भाजपा की सरकार थी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, और झारखंडियों को खुशी इस बात की है कि झारखंड एक उपनिवेश ना बन जाए बिहार से अलग होने के बाद। बिहार में एक कहावत था, बिहार अब बालू फाकेगा, लेकिन वही बिहारी पूरे झारखंड में आकर के डंप हो गए, और झारखंड का सब शहर में उन लोग का उपनिवेश, उन लोग का राज बन गया है, और झारखंड में भाजपा को सबसे ज़्यादा मजबूत वोट मिल रहा है। इससे ये ऐसा लगता है झारखंड
झारखंडियों को कि झारखंड बिना 32 का झारखंड को बचाया नहीं जा सकता, और झारखंड सरकार, वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसलिए शाबाशी और सबसे ज़्यादा तारीफ मिल रही है, पूरे झारखंडी आदिवासी मूलवासी 84% झारखंडी लोग उनको समर्थन कर रहे हैं कि इसके बिना झारखंड का अस्तित्व झारखंडियों के पास नहीं रहेगा, झारखंडियों का सिर्फ एक सस्ता ठेका मजदूर के रूप में दिखाई देगा, झारखंड झारखंडियों को नहीं रहेगा, ये बाहरियों का आबाद प्रदेश हो जाएगा और पूरे झारखंड का संसाधन लूट जाएगा, अब पूरे झारखंड लूट जाएगा, झारखंडी भीख मंगा हो जाएंगे, जमीन होते हुए वो लोग रास्ता पर दिखाई देंगे, और तब ऐसा स्थिति में झारखंड बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए झारखंड में 1932 का खतियान होना चाहिए, और 32 को लागू करते समय कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, यदि कोल्हान में 1932 में सर्वे नहीं हुआ है, 64 में सर्वे हुआ है, तो 64 से पहले कितना कब सर्वे हुआ था मधुकोड़ा को बताना चाहिए, मधुकोड़ा को बताना चाहिए उससे पहले सर्वे हुआ था, तो उससे पहले का होना चाहिए, मुंडगा मानियों ने तो 1932 से पहले का डिमांड किया है, तो उससे पहले का आप सर्वे सेटलमेंट लगाइए कि कोल्हान में अगर नौकरी का बहाली होगा तो 32 से पहले का होगा, 64 का बात क्यों कर रहे हैं आप, उससे पहले का भी तो सर्वे है, उससे पहले का भी सर्वे है, मधुकोड़ा जी को बताना चाहिए क्या 1932 में सर्वे नहीं हुआ, सिर्फ 64 में सर्वे हुआ या 32 से पहले भी सर्वे हुआ है, सच तो यह कि 32 से पहले का सर्वे हुआ है, तो आपको मांग करना चाहिए कि 1932 से नहीं, उससे पहले का आप लागू कर दीजिए। आखिर सरकार एक बाउंड्री लगाना चाहता है, एक शर्त लगाना चाहता है कि झारखंड में नौकरी अगर किसी को मिलेगा तो खतियानधारी को मिलेगा, तो ये कॉन्सेप्ट से ना सलखान मुर्मू को विरोध होना चाहिए, ना मधुकोड़ा को विरोध होना चाहिए, ना कोई एक झारखंडी को विरोध होना चाहिए, किसी झारखंडी को खतियान के बिना किसी का नौकरी नहीं होना चाहिए झारखंड में, और नहीं तो झारखंडियों का नौकरी, झारखंडी को अस्तित्व, झारखंड राज लूट जाएगा, तो ऐसा नेता लोग जिम्मेवार होगा। झारखंड सरकार का दायित्व है, हर विधायक का दायित्व है, झारखंड के विधानसभा का दायित्व है, झारखंड का हाईकोर्ट में आप ये साहब आप लोग साबित कीजिए कि झारखंड इसलिए कि ये पांचवी अनुसूची क्षेत्र का आदिवासियों का राज है, जो बिहार सरकार में कानून, डोमिसाइल कानून, 32 का कानून अगर वहां पर लागू हो सकता है, तो हाईकोर्ट को जाकर के पूछना चाहिए बिहार सरकार से कि ये अगर झारखंड में अमान्य होगा, ये झारखंड में अगर गैर कानूनी होगा, तो बिहार में यह कानून क्यों लागू है। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड के विधानसभाओं से, विधायकों से, कि आप पूछिए, हर मीडिया से पूछिए, हर विधायक से पूछिए, बिहार में वही कानून लागू है, लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर ही वहाँ बिहारी घोषित होते हैं, और बिहार में अगर कोई झारखंडी, कोई उड़ीसा, कोई बंगाल का आदमी चले जाए तो उसे पूछा जाएगा कि तुम कहाँ का रहने वाला, अगर वो बता दे कि बिहार और बंगाल का है, झारखंड का है, उड़ीसा का है, उसको नौकरी नहीं मिल सकता है, और यहाँ झारखंड में और क्या 85 का कटआउट लगा करके आप उसको नौकरी देंगे, जो यहाँ पर बाहर भर गए लोग, दोनों राज्य में उसका नागरिकता रहेगा, वो झारखंड का भी रहेगा और बिहार का भी रहेगा, यूपी का भी रहेगा, बंगाल का भी रहेगा, उड़ीसा का रहेगा, ऐसा कानून होना चाहिए। तो ये सच बात है कि झारखंड में अब ये लड़ाई सिर्फ झारखंड का नहीं है, झारखंड के सुप्रीम, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट को ये जब बताना होगा कि झारखंडियों का अस्तित्व, झारखंड का राज्य का गठन का जो उद्देश्य है वो क्यों है, भाजपा को बताना पड़ेगा, भाजपा को मजबूर करना पड़ेगा, भाजपा को, भाजपा के साहब बाबूलाल मरांडी से लेकर के जितने विधायक हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा से लेकर कुणाल सड़ानी तक, और इवन के और भी जो छोटे बड़े नेता है झारखंडी, जो लोग भाजपा के झंडा ढोते हैं, उनको बताना पड़ेगा तुम अपना, अगर झारखंडी हो और यहाँ का मूलवासी हो, यहाँ के धरती से पैदा किए हो और यहाँ का सन ऑफ सॉइल हो, तो तुमको यहाँ का कर्ज देना होगा, यहाँ के झारखंड के माटी का तुमको आने वाला भविष्य बचाना होगा, झारखंडियों का अस्तित्व बचाना होगा, अदरवाइज ये झारखंड जिस तरह के यहाँ जमशेदपुर शहर में 10-10 लाख 20-20 लाख मानगो में 10 लाख आबादी घुस गया, उसका कोई माई बाप नहीं, वहाँ से आधार कार्ड आकर के आता बदलता है लोग, यहाँ राशन कार्ड बनाता है लोग। पूर्वी सिंहभूम जिला में हम लोग, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में आदिवासियों का आबादी 14% के लगभग पहुँच गया, 24% से 14% के लगभग हम लोग अभी 32 लाख की आबादी के लगभग में, यहाँ सिर्फ 7 या 8 लाख के लगभग आदिवासियों का। ये जमशेदपुर का शहर का टाटा नगर में, अब टाटा नगर जो है एक मिनी इंडिया हो गया, पूरा देश यहाँ बसता है, और वो फिफ्थ शेड्यूल इलाका में है, ऐसा में फिफ्थ शेड्यूल और ये परिसीमन विधानसभा का जितना सीट है सब खत्म हो जाएगा, और ये चाहता है लोग यहाँ का कॉरपोरेट,
यहाँ का पूंजीपति लोग चाहता है, यहाँ का मीडिया चाहती है कि झारखंड का जितने भी घनिष्ठ सदापुर से जिला है उस सब जिला में यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का पावर, यहाँ उन लोग का नियंत्रण ना रहे, उनको संवैधानिक अधिकार ना मिले और टाटा जैसे घराने पर जो फिफ्थ लागू लगा है वो खत्म हो, ये कोशिश है यहाँ के कॉरपोरेट और यहाँ के पूंजीपतियों का, पूरे देश के पूंजीपतियों का। झारखंड का आयरन ओर, यहाँ का सोना, यहाँ का हीरा, यहाँ का यूरेनियम सबको लूटने की कोशिश हो रही है। इसलिए 47 से लेकर आज तक बिहार सरकार ने झारखंड में अवैध रूप से कॉलोनियों का बसाने का काम किया, अवैध रूप से टाटा जैसे कंपनी को बसाने का काम किया है और वही चीज आज अगर 32 का खतियान नहीं लागू होगा और यहाँ के लोगों को अगर ये सारा चीज संवैधानिक प्रावधान को अगर इंपोर नहीं किया जाएगा, सशक्त नहीं किया जाएगा, फिफ्थ शेड्यूल को सशक्त नहीं किया जाएगा, फिफ्थ शेड्यूल इलाका में गैर आबादी क्यों घुस रहा है, मानगो में क्यों घुस रहा है, करंडी में क्यों घुस रहा है, क्यों गोविंदपुर में घुस रहा है, ये अगर नहीं रोका जाएगा तो ये फिफ्थ शेड्यूल का मायने मतलब नहीं रह जाता है, संविधान का मायने मतलब नहीं रहता है। तो भारत देश को बताना होगा कि संविधान रहेगा या आदिवासी रहेंगे या दोनों को आप खत्म करके आप कॉरपोरेट के भारत बनाना चाहते हैं, पूंजीपतियों का भारत बनाना चाहते हैं, ना बस्तर रहेगा, ना कंकेर रहेगा, ना आपका दंतेवाड़ा रहेगा, ना हम लोग का उड़ीसा का जो जगह है जहां गोंद आदिवासी है उस सबको आप उड़ा करके किसको, अडानी को दीजिएगा, आप अंबानी को दीजिएगा, टाटा को दीजिएगा, मित्तल को दीजिएगा, अब पूरा देश तरक्की करेगा और आदिवासी उड़ जाएंगे। और संविधान क्यों कहता है कि आदिवासियों के लिए जो बना हुआ विशेष क्षेत्र है वो विशेष रूप से उसको संरक्षित किया जाएगा, क्यों, अंग्रेज बेवकूफ थे या संविधान बनाने वाले बेवकूफ थे, इसलिए देश के चलाने वाले लोगों को बताना पड़ेगा। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो बनाओ, तुम्हारा राष्ट्र है तुम बना सकते हो, लेकिन जो संविधान जिस इलाका को बाउंड्री करके रखा है, विशेष क्षेत्र बना के रखा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप करते हैं तो आज़ादी के समय में, अंग्रेज के समय में और आपके जो गांधी और जितने भी सावरकर ने जो हमको कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट के साथ आप धोखा क्यों दे रहे हो। इसलिए आज ये सवाल है 32 से रिलेटेड इशू में हमारा कहना है कि फिफ्थ शेड्यूल इलाका को एज ए टीज रखा जाए, वहाँ बाहरी आबादी को डंप करने का कोशिश जो साजिश है, राजनीति है, उसको रोका जाए और ये 32 का खतियान के माध्यम से निश्चित रूप से थर्ड और फोर्थ ग्रेड का जो नौकरी है झारखंडियों को मिलना चाहिए। आज हम लोग ये थर्ड और फोर्थ ग्रेड का नौकरी के साथ साथ सारा नौकरी झारखंडियों के लिए, अगर यहाँ इस बार अगर हेमंत सोरेन लागू करते हैं और उस पर विपक्ष और भाजपा और मोदी और अमित शाह और निशिकांत दुबे जैसे लोग अगर बाधा नहीं डालते हैं तो 4 लाख आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिल सकता है। भाजपाई जो शहर में रहते हैं उनको हम कहना चाहेंगे और मीडिया को कहना चाहेंगे, आप अगर सही में आप एक मानुष हैं, आप इंसानियत रखते हो तो झारखंड के झारखंडियों के किस्मत के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अर्जुन मुंडा से हम लोग सवाल करना चाहेंगे कि खरसों खूंटी में आपको कौन वोट देता है, यहाँ के मूलवासी वोट देता है। तो इसीलिए हम लोग का कहना है कि झारखंडियों के साथ, उनके भविष्य के साथ भाजपा को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आरएसएस को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ना फिफ्थ शेड्यूल के साथ खिलवाड़ करना चाहिए, ना झारखंडियों के भाषा संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। ये सारे चीज़ जल जंगल जमीन 1932 का खतियान सब रिलेटेड है, अस्तित्व अस्मिता का सवाल है, यहाँ सिद्धू कानू बिरसा मुंडा का लड़ाई का सवाल है और इन सारे लड़ाई के साथ में हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये खून का हम लोग का लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। आज अगर 32 का खतियान लागू नहीं होगा